वो कहते हैं ना, आओ मिलकर जलाओ लोहड़ी, आए ना रास्ते में कोई रोड़ी, हंसी खुशी से गीत गाते हैं, आओ लोहड़ी का पर्व मनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लोहड़ी के बारे में। लोहड़ी उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ये मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। ये पौष माह के अंतिम दिन में मनाया जाता है, जो यूजुअली 13 जनवरी को आता है। लोहड़ी शब्द ल ओह और डी को मिलाकर बना है, जिसमें ल का मतलब लकड़ी, ओह का मतलब गोहा यानी सूखे हुए उपले, और डी का मतलब रेवड़ी है, क्योंकि ये सब इस पर्व लोहड़ी का प्रतीक है। इस त्योहार में नई फसलों का भोग सभी देवताओं को चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि अग्नि देव और सूर्य देव को नई फसल समर्पित करके उनका शुक्र अदा किया जाता है और साल में आने वाली फसलों के लिए कामना की जाती है। इस त्योहार का पौराणिक गाथाओं से संबंध की बात करें तो कहा जाता है कि भगवान शिव की पत्नी सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ आयोजित कराया, जिसमें सती ने जलकर अपने प्राण त्याग दिए। उनकी याद में ही ये अग्नि जलाई जाती है। इसके अलावा लोहड़ी को दुल्ला भट्टी की एक कहानी से भी जोड़ा जाता है। लोहड़ी के सभी गानों में दुल्ला भट्टी के गीत गाए जाते हैं। दुल्ला भट्टी को पंजाब के नायक की उपाधि दी गई थी। उस समय लड़कियों को गुलामी के लिए जबरदस्ती अमीरों को बेच दिया जाता था। दुल्ला भट्टी ने एक योजना बना, उन लड़कियों को बचाया और उनकी शादियां भी कराई, जिसका बखान आप लोहड़ी के गानों में सुन सकते हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार लोहड़ी होलिका की बहन थी। लोहड़ी एक अच्छी प्रवृत्ति की औरत थी और इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। इस त्योहार का एक ये भी महत्व है कि बड़े बुजुर्गों के साथ मनाते हुए नई पीढ़ी पुरानी मान्यताओं और रीति रिवाजों को सीखती है और अपने साथ आगे ले जाती है। लोहड़ी मनाने के लिए लकड़ियों का एक ढेर बनाया जाता है और उस पर उपले रखे जाते हैं। फिर आग जलाकर अग्नि देवता को तिल, गुड़, रेवड़ी और मूंगफली का भोग लगाया जाता है। इसके बाद ढोल की धुन में गिद्दा, बोलियां, भांगड़ा किया जाता है। नई शादी वाले दंपति और घर में जन्मे नए बच्चे के लिए ये पर्व बहुत ही खास होता है। उस परिवार की ओर से खुशियां मनाते हुए सभी लोगों और रिश्तेदारों को लोहड़ी बांटी जाती है। हम आशा करते हैं आप भी रल मिलके यूं ही लोहड़ी का लुत्फ उठाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।